वन एज ए वॉल पेपर थ्री आपको पहले पढ़ते हैं। नहीं मतलब ये चांद तो नहीं हो जाएगा ये वाला चांद वो वाला चांद जो ऊपर जो सबके लिए चांद है। सर आपको पसंद है तो वो चांद करवा गया तो एक शेर बोलता हूँ तुम चांद जैसी हो, तुम चांद जैसी हो, नूर भी गुरूर भी और दूर भी। अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है। तो एक तो ये कबाड़ बिल्कुल घर में इकट्ठा मत होने, और पता है आपको जब किसी के वास्तु विजिट के लिए जाते हैं, ठीक है, किसी की वास्तु विजिट के लिए जब हम जाते हैं तो उसकी जब कबड़ खुलवा के देखते हैं, उसकी कबड़ खुलवा के उस पर्सन के बारे में पूरा बता सकते कि वो पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, वो क्या सोचता होगा, कैसे रहता होगा, क्या काम करता होगा, उसी सिर्फ कबड़ खुलवाने से पता लगता है। कैश दिखता है उसमें, कैश देख के, कैश नहीं सिर्फ कपड़ों वाली को। अच्छा कैश देख के मालूम पड़ेगा ना कितना पैसा कैसे रहता है। नहीं सर कपड़ों वाली कबड़ खुलवा के पता लगता है, कैश वाली देखा कैसे एकदम पूरा मालूम पड़ेगा। सर मैं आपको सही बताऊँ, अब दिखाते सब कैश वाली भी है, वो तो दिखाती है भी कोई पर्सन ने बताता तो यही लाइव लोकेशन भेज दिया करना। तो क्या होता है कि आप उसकी कबर्ड को देखिए आप पता लगा सकते हो कि उसके बारे में उसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज बता सकते हो। देखिए क्या है उसका जो अपनी अलमारी को रखने का तरीका है वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूरा बताएगा। अगर उसकी अलमारी अपसेट है तो यानी कि वो व्यक्ति अपसेट होगा ही होगा, और उसकी अलमारी वेल ऑर्गेनाइज है तो पर्सन वेल ऑर्गेनाइज है। इसीलिए उसकी कबर्ड आपकी फैमिली नहीं होनी चाहिए। स्पेशली वाइफ लोग बताते हैं कबर्ड तो अपन क्या करें, जानबूझ के ऐसा बताती है ना, खुश नहीं तो कबर्ड खराब कर दे जब परेशान होता। मेरा तो वाइफ बताती है कबर्ड में कपड़े रखना जो भी मेरा कितना परेशान करते आपके वाइफ को समझ ये तो वो है न्यूमरोलॉजी के टर्म्स है, जिन डेट्स को जो बॉर्न होते हैं उनको ये सब करना। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छा टिप बताता हूँ वास्तु के हिसाब से, जो सर आ गया फुलमून आ गया 2/11/2029 फुलमून आ गया पूरा चांद आ गया एक और लाइफ चेंजिंग टिप बता रहा हूँ आपको, करने के बाद आपको लाइफ में जब मैं बहुत अच्छा करता है आपको क्या करता है, जैसे आपका डोर होता है ठीक है, मेन डोर आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन डोर ओनली ऑफ योर बिल्डिंग ऑफ योर हाउस और व्हाट एवर इट इज, मेन डोर पे ये मेन डोर है, एक लाइट आपको बाहर लगानी है इसमें इधर से और एक लाइट अंदर से लगानी है ठीक है, दो लाइट आपको लगानी है और फॉल लाइट लगाइए, फॉल जो डाउन लाइट होती है ना डाउन लाइट लगाइए और वो आपको क्या करना है पूरी रात जलाइए, ये शाम को 7-8 बजे अंधेरा हो जाता है उसके बाद से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक उसको जला के ये करिएगा आपको विद इन 21-30 days के अंदर आपको अपने आप पता लग जाएगा आपको कितना बेनिफिट होना शुरू, बट इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से काम करता है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है ठीक है, बट लाइट की जो फॉल है वो आपके डोर पे इधर आनी चाहिए ऐसे मत लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा जो डाउन लाइट ठीक है, आप इसको देखेंगे और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।